केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के विवादित बोल की हवा पहुंची रीवा, सेन समान बाल लेकर पहुंचा भाजपा कार्यालय। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के विवादित बयान पर धीरे धीरे उबाल आने लगा है। रीवा में भी सेन समाज के लोग एकत्र होकर भाजपा कार्यालय अटल कुंज जा पहुंचे। वो चाहते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तत्काल ही सेन समाज से माफी मांगे, नहीं तो सेन समाज उनके खिलाफ आंदोलन करेगा, उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाएगा। हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले दिनों ग्वालियर में कांग्रेस सरकार के काम को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, सब साफ हो जाएगा, नाई नाई कितने बाल, बस सेन समाज इसी बात से नाराज है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने हमारे जात सूचक शब्दों को अपमानजनक शब्दों से प्रयोग किया है, उन्होंने कहा कि नाऊ नाऊ कितने बाल, ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने ऐसा कहा? हम अपने समाज के सम्मान के लिए उनसे प्रेरित करते हैं कि वो हमारे समाज का सम्मान करें और हमारे समाज से सार्वजनिक माफ़ी मांगे कि हम अन्यथा आनिंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। कि वो गिने, इसलिए नाव नाव कितने बाल होते हैं वो गिने। अटल कुंज में लाए हैं कि कोई अधिकारी हो, यहाँ के मंत्री मिनिस्टर हो, जिला अध्यक्ष हो, जिले इनको भेजवाए कि मंत्री महोदय ये बाल गिने कि कितने नाई बाल काटते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम साथी हैं, हमारे साथ अपमान किया गया है। और जो समाज के लोग जब जन्म होता है और जो मतलब समाज में मतलब मंडल में चूड़ी पहनाते हैं, वही समाज हमारी घाट में चूड़ी फोड़ती, वो मैं समाज का जन्म हूँ।